हम लोगों ने वीडियो अभी रिकॉर्ड किया और उसमें ऑडियो सही नहीं आया है एडिट में। yes. अब वो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और तो इट इज लाइक ये हमेशा करती है मेरे साथ। मेरा मेरी लाइफ का फर्स्ट स्टैंड अप, मैडम ने माइक ऑन नहीं करा। वो स्टैंड अप ही नहीं मेरे पास, सिर्फ कुछ क्लिप्स है जिनसे मैं देख के काम चलाता हूं कि हां मेरा पहला स्टैंड अप ऐसा दिखता था। इन माय डिफेंस मैंने पूरी शिद्दत से रिकॉर्डिंग की, सब कुछ किया, माइक ऑन करना भूल गई और वो पूरा स्टैंड अप इज लाइक विदाउट ऑडियो। स्टिल फनी है वो, मेरी मेमोरी में भी नहीं है। प्रॉब्लम है वो मेरी मेमोरी में नहीं और वो किसी ने भी रिकॉर्ड किया था। अपोलॉजीज बिकॉज़ लाइफ में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी कुछ पुरानी, दो पुरानी तस्वीरें आप सबके सामने रखने वाले हैं, फिर से जो हमने पहले कर लिया था, और हम उसके पीछे बताएंगे आपको कहानी जो भी थोड़ी इमारतें और मेरी क्यूट इसकी फनी होगी। तो मुझे समझ आया मैंने, हाँ तो हुआ ये था कि 15 अगस्त या 26 26 जनवरी ऐसा कुछ था स्कूल में, और स्कूल में क्या लड्डू देते हैं, दो लड्डू, और मैं घर से खाना वाना खा के नहीं गया था, बहुत भूखा था। तो मेरी आदत थी कि अगर मेरे पास ऊपर वाली जेब है तो मैं उसमें लड्डू रख लूँगा या फिर मैं पीछे वाली पॉकेट में लड्डू रखता हूँ, तो मैं दोस्तों के भी चुरा लेता ऑब्वियसली। तो मेरे फ्रेंड्स खड़े होके, फ्रेंड्स नहीं क्लासमेट्स खड़े होके फ़ोटो खिंचा रहे थे, और मैं वहाँ से कहीं जाने वाला था और वो फोटो खिंचा रहे थे तो मैं साइड में रुक गया। मुझे लगा मैं फ्रेम में नहीं हूँ, वो यहाँ फोटो खिंचा रहे तो मैं यहाँ रुक गया, और मेरे को भूख तो लगी रही थी तो मैंने जेब से ऐसे डाल के वो लड्डू निकाला, और मैं छोटा भी नहीं, मैंने इतना बड़ा लड्डू निकाला और उसको ऐसी कैसे पूरा मुंह रखा। तो जब मैं फोटो क्लिक करी तब मेरा हाथ आधा मुंह में ही हो। मुझे किसने फोटो वो सेंड करी थी कि ये तेरी फोटो आई है, और मैं देख रहा हूँ मैं कहा हूँ मैं वो ये रहा एक कोने में। Absolutely funny, मैं इतनी funny और life lesson वाली photo कि ज़िंदगी में आप be yourself। मैं उसे नहीं सोचा था, but हाँ। अब ऐसा लगता है। और please वो वाली कहानी में बताओ जो तो हमें सुनाता रहता है कि स्कूल में तो कैसे? तो होता है ना कि मेरे बहुत कम फ्रेंड्स थे स्कूल में, सिर्फ हर्षित, हरदीप, पहले। और एक बी से भी था? मैं वो दूसरे स्कूल का है। मैंने एक्चुअली पांच स्कूल चेंज करे ना। That's a different part of a video. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर आप लोग बात कर रहे होंगे, मेरी आपसे बातचीत नहीं हुई है तो मैं बस आपके पास मार्किंग में खड़ा होता हूँ, और आप जो भी बोल रहे हो मैं बस सुनूंगा। इट वॉज सच ऑकवर्ड मूवमेंट बट आई लव इट। कभी कोई आपसे बात नहीं कर रहे, अगर आप ग्रुपिज्म यू नो होता है क्लासेस में, कोचिंग में, कुछ नहीं करना आपको, ओके कुछ नहीं करना आपको, आप बस उनके पास जाके खड़ो। थोड़ी बहुत मस्ती करता था और स्कूल वालों को मस्तियाँ पसंद नहीं आती थी, तो मेरे को नई नई पनिशमेंट मिलती रहती थी और वॉट नॉट। तो उन्होंने बोला कि आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मेरी माम is just like me on a bigger level, she said sure। घर वाले स्कूल वाले बोलते हैं हम आपको बच्चों के स्कूल से निकाल देंगे, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक हम आके टीसी ले जाएंगे। मेरी मम्मी ने कभी किसी स्कूल की बात नहीं मानी कि आपका बच्चा मस्ती करता, नहीं नहीं आप कुछ करते होंगे वो तो सीधा है। उन्हें कभी मेरे को कुछ नहीं बोला। तो हाँ तो मैं एक दिन स्कूल में था, एनी परसेंट स्कूल, और उसके अंदर मैंने एक मैम थी इंग्लिश वाली, उनका नाम था कानूनगो, सॉरी उनका लास्ट नेम था कानूनगो, मुझे बस वही याद है। तो एक दिन वो बैठ के चाय पी रही थी और मैं उनको देख रहा हूँ, मैं भी थका हुआ था तो मैं उनको देख रहा था, मतलब चाय भाई ने ला के रख दी है पर मैम पी नहीं रही थी और चाय ठंडी हो रही थी। तो मैंने ऐसे ही मैम को बोला चाय पीने वाला, बोला क्यों, मैं ठंडी हो रही, बोले तुम पी लो, बोला अरे। तो मैं उठ के पहुँचा दो, मैं थप्पड़ मार दिया, अरे वहाँ पर जाके बैठो, बोला अच्छा ठीक है। मैं घर गया, मम्मी को बताया, मैंने मम्मी मैडम चाय पी रही थी, मैंने मांगी, मैम ने मना कर दिया। तो मेरी माँ क्या बोलती, कोई बात नहीं मैं कल तेरे को चाय बना के दे दूंगी, दो कप दे दूंगी, जाके पी लेना, चाय ही तो है। तो नेक्स्ट डे मैं दो कप और थर्मस भर के चाय लेके गया था क्लास में बैठ के, फिर मैंने अपना ट्रेन भी वही बना लिया था, बस चाय पीने आता था उसको। Good old days. Anyway, coming to my picture. Yeah.
कहानी को आगे बढ़ाते हैं. अब मैं तुझे दोबारा नहीं दिखाऊंगी, पिछली वीडियो में दिखा दी, अब सीधा जाएगी स्क्रीन पे फोटो. तो ये फोटो कुछ ऐसी है, इट्स अबाउट ऑल माय फैशन फॉरवर्ड लाइफ बैक इन द डे व्हेन आई वाज अ किड. तो बचपन में मेरी मम्मी ने गिव अप कर दिया और बोल दिया कि हर दिन तू खुद डिसाइड कर तुझे क्या पहने, क्योंकि मैं हर चीज़ पे ये नहीं पहनना वो नहीं पहनती. तो हर सब उठ के मैं ही डिसाइड करती थी कि मैं क्या पहनूंगी जब मैं इतनी छोटी भी थी. और मैंने डिसाइड किया था कि मैं जिंदगी भर एक ही चीज़ पहनूंगी और वही चीज़ है डंगरी, क्योंकि मुझे डंगरी से इतना प्यार था. बट मुझे फैशन फॉरवर्ड भी बनना था तो मुझको ऐसे क्रॉस में पहनती थी और अपने चश्मे भी पहनती थी. और ये थी मैं बचपन में, मतलब मैंने हर दिन यही पहनी और नीचे से उसको फोल्ड है क्योंकि वो अभी 5-6 साल चली मेरी डंगरी. सब खड़ों में देखे बोले ये क्या हो रहा है. और ये मैडम ने फोटो शूट करा धूप में, प्लस इसने दो लड़कियां, वो कौन थी मुझे मैं जानता भी नहीं, उनको भी पकड़ के ले कि इसके साथ फोटो शूट करवा. बहुत गंदा लग रहा हूँ मैं. और चलो ठीक है, तेरे को समझ आ रहा था ना मैं गंदा लग रहा हूँ, इसने वो फोटो मुझे अच्छा लग रहा था, बट बाद में फोटो में देख के लगा कि नहीं ज्यादा हो गया. और इसने वो फोटो मेरी एजेंट को दी, याद है? इसने वो फोटो एजेंट को दी. एजेंट इज लाइक हेडशॉट, ये हेडशॉट दिया उसने मेरा डंगरी. और उसकी सिस्टर की शादी थी और जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं कहीं व्यस्त हो गया था और मैं 11:30 के आसपास वापस आया. तो मेरे को गेट पे मिला और बहुत गुस्से में था, उसने खाना में भी नहीं खाया था. वो बोले मैं वेट कर रहा हूँ कब से, यहाँ काम पड़े और तू इधर उधर घूम रहा है. वो तो मैंने हाँ आप करवा लेता हूँ. तो सारे काम वगैरह करवाने के बाद वो नहीं खा रहा था खाना वगैरह वगैरह पता नहीं कुछ तो बात हुई थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. तो मैंने क्या करा, मैं लाते भूख तो बहुत लग रही, तो सबका खाना हो चुका था रात के 2:30 की बात. तो मैंने क्या करा, जो जिसमें वो खाना बनाते हैं इतनी बड़ी वो ट्रे होती है, तो मैंने वो ट्रे ऐसी कैसी उठा उठा के अपनी टेबल पर ला के रख ली और फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया. तो हम खाना खा ही रहते थे, मैं फोटोग्राफर आ गया, बोलता कि आपके साथ फोटो चाहिए क्योंकि ब्रदर था ब्राइड का. सो बोला आप लोगों के साथ फोटो चाहिए, मैं बहुत भूखा और 2:30 बज गई, मैं किसी को फोटो नहीं दूँगी. तो बोलता नहीं फोटो तो लेनी है, सुन मैं खा रहा हूँ तो खाते खाते ले. तो इट्स रियली ऑकवर्ड मूवमेंट, मैं खा रहा हूँ और वैभव कैमरे को नहीं देख रहा, उसका भी हाथ चालू है पर वो कैमरे को नहीं देख रहा. और उसने उस दिन 3 फोटो लिए मेरे, एक के अंदर मैं निवाला बना रहा हूँ, एक के अंदर मैं खा रहा हूँ और एक के अंदर मैं खा के मुस्कुरा रहा हूँ. ये कर दी कितनी बार मेरे साथ ऐसा, तो ये फोटो जो खा रहे हो जो कर रहे हो जैसे कर रहे हो उसमें ले ले तू फोटो. ओके नेक्स्ट मेल फोटो, द डिश. तो बात कुछ ऐसी थी कि समा था कश्मीर का, बचपन के दिन थे और हर साल जब भी बर्फ पड़ती थी और जब पहली बार बर्फ पड़ती थी यूजुअली बहुत 3-4-5-6 इंच तो पड़ जाती थी और हम लोगों ने भाग के बाहर जाना और वो कैमरा आते थे रील वाले. अच्छा. और मेरे पापा ने कहा चलो चलो फोटो शूट, और मैं होती थी मॉडल और मेरे पापा फोटोग्राफर, और मैंने पूरी बर्फ में हर जगह जा जाके मधुबाला और मैंने फोटो खिंचाने. और मुझे अभी भी याद है एक कैश पर लॉन के कपड़ा होता था, मेरे पापा ने वो बहुत सारा लाना, मेरे और बहन के सेम सूट से लाने, सेम टोपी सेम स्वेटर, और हमने ऐसे फोटो शूट करना बॉलीवुड स्टाइल. वो तो अभी भी करते हैं. यस हो गए, बस यही थी हमारी दो. बट एक सेकेंड, इसकी बहुत और बहुत सारी एक्चुअल फोटोज हैं, मेरे बहुत सारे आर्टिकली फोटोज हैं, लोग मेरे को बोलते हैं. बट तो हम वो आर्टिकली फोटोज ऐसे 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 डालेंगे, अगर आपको स्टोरी सुननी है उनके पीछे की, और फिर हम बनाएंगे एक और वीडियो. ठीक, अब मुझे एक भी कमेंट आ गया मैंने डाल दिया, मतलब हम इतने लो स्टैंडर्ड पे बहुत बहुत मिल रहे हैं. हम शायद खुद ही वही कमेंट कर देंगे अगर आपने नहीं किया. मेरे पास 2-3 फेक आईडी थे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए
या बाय।